अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो इस टाइम मैं जो है गाड़ी का रेडिएटर साफ़ करवाने के लिए उस्ताद जी के पास आया हूँ। और उस्ताद जी ने देखे रेडिएटर खोल दिया है और अभी इसको हीट करके इसको सारे को खोलेंगे और उसके बाद फिर इसकी जो सफाई का अमल है वो स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी जो है ज़रूरी होता है गाड़ी के लिए कि गाड़ी का जो रेडिएटर है उसको साफ़ करवाया जाए कम से कम साल में एक दफ़ा। इससे ये होता है कि गाड़ी स्मूथ काम करती है और हीट एंड कूल जो है उसको बैलेंस रखती है। और अगर इसको ना साफ़ करवाया जाए तो गर्मियों में गाड़ी जो है वो हीट हो जाती है और हीट होने की सूरत में इसकी गैसकेट वगैरह जल जाती है और जिससे इंजन भी कमज़ोर हो जाता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको साफ़ कराया जाए। तो पहले भी खोल दिया जी सारा साजिद और अभी इसको ब्रश के साथ जो है साफ किया जा रहा है। तो बात ये हो रही थी कि अगर ये थोड़ा सा काम हम अगर इसमें बेहतियाती करें तो बेहतियाती होने की वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो गाड़ी का इंजन जो है आजकल आप बनवाने जाएँ तो कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपया जो है वो आराम से लग जाता है। तो अभी ये जो काम है 2-3 हज़ार में, ये देखिए ये कितना चोक हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है। और इसको ये कुछ अर्सा रहता तो ये गाड़ी को नुकसान पहुँचा सकता था। तो बात ये है कि गाड़ी को जो है 2-3 हज़ार पहुँचाने से बेहतर है कि जाने के चक्कर में आप लोग अपना गाड़ी को ज़्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। नए लोगों के लिए जितने भी पुरानी गाड़ी जिन्होंने रखी हो उसके लिए बड़ी एक एडवाइस है कि गाड़ी का रेडिएटर ऑयल पानी से लाजमी चेक किया करें और पुर्जों को टाइम टू टाइम देखा करें और गाड़ी आपको रस्ते में तंग ना करें। तो ये देखें जी तार के साथ जो है इसकी जो नालियाँ हैं उनको खोल रही हैं और उसके बाद फिर ये तेज़ाब के साथ इसको साफ करेंगे। अब ये देखें इसमें तेज़ाब डाल दिया और इसको जो है प्रॉपर थर्डली अंदर से साफ किया जा रहा है। हाँ हाँ ओ साफ है वैसे हैं, साफ है रेडिएटर तो साफ नहीं।